यहाँ पर थर्ड फेज का यहाँ पर जो श्रृंग के आना होगा चालू, बट ये लीजिए एस पावर द मैन विद दैट एंड रेजर को टेक डाउन करते नजर आएंगे। जॉनथन की बात करी जाए, एस पावर का एक और ग्रेनेड उन्होंने अपने पिटारे से निकाला जरूर है। पल्लू ओपी की एचपी यहां पर चलिए बहुत ज्यादा कम कर दी जाएगी और टीम को अडलाए एक एक करके टीम गिल के प्लेयर्स के ऊपर प्रहार करती नजर आ रही है और कंप्लीटली उनको आउट नंबर्ड भी ऐसे में यहां पर चेक करती नजर आ रही है। बट जी गॉड अगर देखें तो अब ऐसे में क्या सेवियर का रोल अदा कर पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। वेल देखिए क्या ऐसे में यहाँ पर जो जीगॉड है वो अभी के लिए यहाँ पर जो है सेवियर का रोल अदा कर पाते हैं नहीं ये जरूर देखने वाली बात। दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स भी फाइट्स के अंदर एक बार वापस एंटीसिपेट करते नजर आएंगे। असला क्या एक प्लेयर ऑफ गार्ड यहाँ पर जो पकड़ लिया गया और उनको कंप्लीटली टेक डाउन कर गया, बट जॉनथन एक और प्लेयर के शिकार में एक और प्लेयर को हंट करने के चक्कर में आगे बढ़ गए और ये पीछे से जाकर हल्का सा फंसाना चाहते थे। जीरो को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई किस दिशा में देखें क्योंकि ऊपर से भी शॉट्स लिए जा रहे थे। एस्पार के करते नजर आ रहे हैं 180 मीटर क्या अभी के लिए फुटस्टेप्स के साथ यहां पर पकड़ लिया था। मनेक्स की बात करी जाए डीबीएस उनके हाथ में, एस्पार को भी मालूम है कि भाई इस तरीके से आगे भी उनका पीछा करते नजर आ रहे हैं। भाई ये टीम अगर एक बार फॉर्म पकड़ लेना इतनी आसानी से देखिए भाई लुकती नहीं और एस्पार की ये डीबीएस एविल एक्सिड को भी टेक डाउन करती हुई नजर आ जाएगी। वुल्फ लाइफ की तरफ देख लिया जाए पोजीशंस यहां पर उनकी भी, हालांकि देखिए कॉम्प्रोमाइज बट मिर्ज़ा के अराउंड अगर देखेंगे तो कंप्लीटली समय ना वेट करते नजर आएंगे। चलिए को भी पिन डाउन कर दिया जाएगा और एस पार का पहले डीबीएस के साथ वो फटका और इन द एंड अपने ग्रेनेड्स के साथ और बगी टहल रहे हैं घूम रहे हैं उनको प्लेयर्स की जो कोशिश है वो तो अभी के लिए मालूम है बट समझना पड़ेगा। जॉनथन यहां पर जो अगर गलती से भी टेक डाउन हो गया तो जीगॉट की एचपी भी बहुत ज्यादा कम है। एस पार को ऑलरेडी यहां पर खो चुके हैं, विनर विनर चिकन डिनर को लूज आउट कर सकते हैं बट इन सबके चलते गुजरात टाइगर्स के एजे को यहां पर स्पॉट आउट करके पिन डाउन कर दिया जाएगा। जैसे ही मौका मिलेगा जिस भी दिशा में इस टीम को प्लेयर दिख रहा है लगातार और तीन टीमें टीम गुजरात टाइगर्स यहां पर रिवाइवल की प्रक्रिया तो जरूर शुरू हो चुकी है लेकिन रिवाइवल देने का मौका ऐसे में यहां पर जॉनथन देने के मूड में दिखाई दे नहीं रहे। यहां पर एजे को जैसे ही चलिए रिवाइवल मिला उनको वापस अपनी व्हीकल के साथ कुचल के टेक डाउन कर दिया और ये लीजिए इस बार प्रिंस को भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। क्या नहीं है बट डुप्लेक्स चीट आउट क्या ऐसे में जॉनथन एक 1v3 करते नजर आएंगे। जी हां पहले एस पावर और अब जॉनथन के